क्या ऊपर ऊपर से ही दिखता है तुमको बस। देखो ध्यान से, देखो गौर से, करो जरा फोकस। ये लाइनें हमारे हीरो पे बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। आज उसकी बाउंड्रीज, उसके सिक्स, उसके फोर सबको दिख रहे हैं, लेकिन उस बंदे की मेहनत किसी को नहीं दिख रही। उसके लिए तालियां आज तो बजनी शुरू हो गई, लेकिन जब गुमनामी के समंदर में डूब रहा था तो कोई नहीं पूछने वाला था उसे, कोई भी नहीं। तुम्हें आज उसकी बढ़ती फैंस फॉलोइंग दिख रही होगी, लेकिन जब अकेले अंधेरों में खुद से सवाल करता था कि क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, क्या मेरा भी नाम हो पाएगा, तब उसे कोई नहीं पूछता था। किस हीरो की बात कर रहा हूं? वन एंड ओनली स्काई सूर्य कुमार यादव। आज उसकी बाउंड्रीज तुम्हें दिख रही है, उसके लिए तालियों की गड़गड़ाहट तुम्हें सुनाई दे रही है, लेकिन उसके चीखें, उसकी पीड़ा तुमने सुनी नहीं। उसकी गुमनामी भरी जिंदगी से तुम परिचित नहीं हो। बड़ा आसान लगता है ना कि पिच पे आया और बॉलरों की धज्जियां उड़ा दे रहा है। देखने और सुनने में आसान लगता है, लेकिन 10 साल लग गए दोस्त वो सपना पालकर कि नीली जर्सी में होना है, नीली कैप पहनना है, ये सपना सपना ही रहा 10 सालों तक। सोचो ना, जब उसके घर वालों से सवाल किए जा रहे होंगे, उससे सवाल किए जा रहे होंगे कि क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, क्या कर रहे हो बेटा, क्रिकेट खेल रहा हूं, और सामने से तुरंत जवाब आता था, क्रिकेट, अरे कुछ ढंग का कर ले। क्या फील होता होगा उसे, खुद पे लेके सोचो। तुमने भी सपना पाला होगा ना, कैसे टिका रहा वो बड़ी बात है, वही सीखनी है। उसकी बाउंड्रीज पे, उसके सिक्स पे, उसकी परफॉर्मेंस पे तालियां बजा के कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हारा तभी कुछ होगा जब तुम वो देखना शुरू करोगे जो लोगों को नहीं दिखती। जिस पर लोग तालियां बजाते हैं वो नहीं, तुम्हारी तालियां उस लिए बजनी चाहिए जो लोगों को दिखता ही नहीं। तुम्हारी तालियां उसके 10 सालों के संघर्ष के लिए बजनी चाहिए। उसके बाउंड्रीज तो यार आउटकम है, उसके संघर्षों का, उसके जज्बे का, जुनून का, लड़ते रहने का, वो है ताली बजाने लायक असली चीज। वो दिखनी चाहिए तुम्हें अगर तुम्हें भी कुछ करना है तो, नहीं तो तालियां बजाते रहो। तालियां बजाने वाले खत्म थोड़ी होंगे, उनकी भीड़ बढ़ती ही रहेगी, लेकिन ऐसे लोग कभी कभार आते हैं, लाखों करोड़ों में से एक आते हैं, उनमें से तुम्हें एक बनना है। तो वही करो ना जो लाखों करोड़ों में से एक करते हैं, जो सूर्य कुमार यादव ने किया है। अगर स्काई की लाइफ से एक चीज सीखनी है तो यही लेके जाओ, यही सीखो कि डटे रहना है। गिरेंगे उठ जाएंगे, ताने मारे जाएंगे सह लूंगा, हल्के में लिया जाएगा लेने दूंगा, लेकिन मैदान छोड़ूंगा नहीं। तभी तो जब मैदान में आओगे ना, तब ऐसे ही तालियां बजती रहेंगी कि रुकने का नाम नहीं लेंगे। जो ताने मारते थे ना, आज वो भी तालियां बजा रहे हैं। तुम्हें भी मारा जाता होगा तो उसी चीज से मोटिवेट हो ना। ये जो मेहनत के आउटकम से मोटिवेट होते हैं ये बस तालियां बजाएंगे, जो असली मेहनत से मोटिवेट होते हैं वो तालियां बजवाएंगे। चुनाव तुम्हें करना है, तालियां बजानी है या तालियां बजवाना है। स्काई के बाउंड्रीज से मोटिवेट होना है या स्काई के उस 10 सालों के मेहनत, वही इंपॉर्टेंट है, वही पहुंचाएगा वहां पर जहां तुम पहुंचना चाहते हो। उम्मीद है समझ आ चुकी होंगी, और जरूर वही करोगे जो करना जरूरी है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।